गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। मैकेनिकल फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए सेकंड सेमेस्टर में जनरल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में हम आपके सामने सेक्शन बी सिविल इंजीनियरिंग पोर्शन पे चर्चा कर रहे थे। स्टूडेंट, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये यूनिट फर्स्ट पे आज ये लेक्चर जो होगा स्टूडेंट, ये हमारा 1.5 होगा, मतलब इस यूनिट का पांचवा वीडियो होगा। तो हम अब तक बच्चों चर्चा कर रहे थे, आपका स्टोन्स पे चर्चा हो गया था और ब्रिक्स पे चर्चा हम लोग कर रहे थे, ठीक है, ब्रिक्स पे हम चर्चा कर रहे थे। तो आपको मैं फिर से बता देना चाहता हूँ कि आपका जो सिलेबस है, आपको जो डिटेल में नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये कोर सब्जेक्ट आपका नहीं है। आपका थोड़ा थोड़ा जो है सभी के बारे में जो सिलेबस में दे रखा है उसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त करना है, उसी से आपको क्वेश्चन बनेगा, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बनेगा। तो हमने आपको ईंटों के इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताया बच्चों, इसके आगे आपसे जो बनता है क्वेश्चन कि ईंट कैसे तैयार करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको देख लेते हैं। तो ईंटों को तैयार करने के चरण, ईंटों को तैयार करने के चरण, तैयार करने के चरण मतलब मैन्युफैक्चर ऑफ ब्रिक्स, ईंटों का विनिर्माण कैसे करते हैं, ठीक है। आपसे ऐसे भी कह सकता है कि ईंटों के विनिर्माण कैसे करते हैं। ऑब्जेक्टिव में आपको दे सकता है, चार ऑप्शन देगा, उसमें से कहेगा कि इनका सही क्रम आप बताइए, ठीक है। तो सबसे पहले इस पे को कैसे करते हैं, पहला होता है बच्चों स्थल का चयन करना, स्थल का चयन करना, ठीक है। मतलब हम साइट सिलेक्शन करेंगे, जहाँ पे हमें ईंटों को निर्माण करना है, आप जहाँ पर ईंट का भट्ठा लगाएंगे, ठीक है, प्रोडक्शन करने के लिए, तो वहाँ पे पहले हम देखेंगे कि वहाँ पे साइट का सिलेक्शन करेंगे, स्थल का चयन करेंगे। फिर दूसरा चरण बच्चों, दूसरा जो स्टेप होगा वहाँ पर आप क्या करेंगे, मिट्टी को तैयार करेंगे, ठीक है, मिट्टी को प्रिपेयर करेंगे, मिट्टी को तैयार करना, प्रिपेयरिंग ऑफ अर्थ ब्रिक, ठीक है। फिर तीसरा जो करेंगे बच्चों, जब मिट्टी तैयार हो जाएगी, ठीक, फिर उसको हम क्या करेंगे, सांचे में ढालेंगे, मतलब मोल्डिंग करना, ठीक है, सांचों में ढालना। मिट्टी जब तैयार हो जाएगी तो हम उस मिट्टी को क्या करेंगे, सांचों में ढालना, सांचों में डालना, ठीक है। जब सांचों में डल जाएगी मिट्टी तो वो जिस आकार में, जितने स्टैंडर्ड माप में हमें ईंटों को चाहना होता है वही आकार में हम सांचों में ढालते हैं। नेक्स्ट, उसके बाद सांचों में जब डालते हैं बच्चों, सांचों में ढालते हैं, आप कह सकते हैं डालना या सांचों में डालना या ढालना आप कह सकते हैं, ढालना, ठीक है, मोल्डिंग जिसे आप बोलते हैं, ठीक है, मोल्डिंग करना जिसे आप कहते हैं, मोल्डिंग करना, ठीक है। जब मोल्डिंग होगा बच्चों, फिर आप क्या करेंगे, फिर उसको सुखाएंगे, ईंटों को सुखाना, क्या करेंगे बच्चों, सुखाना, ईंटों को सुखाना, ईंटों को सुखाना, सुखाना, ठीक। जब ईंटों को हम ड्राई करेंगे, सुखाएंगे, उसके बाद जब ईंटें सूख जाएंगी फिर हम क्या करेंगे, ईंटों को पकाते हैं। नेक्स्ट जो स्टेप होता है बच्चों वो ईंटों को पकाना होता है, ईंटों को, ईंटों को पकाना, ठीक। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, ईंटों के
विनिर्माण करने के चरण आप ध्यान रखिएगा, ईंटों का जो प्रिपरेशन करते हैं, ईंट हम बनाने के जो चरण होते हैं इस प्रकार से गुजरते हैं। सबसे पहले स्थल का चयन करेंगे, स्थल का चयन करेंगे मतलब जो स्थल हमारा जहाँ पे सिलेक्शन करना है ईंट बनाने के लिए, जो स्थान हम चुनेंगे वो ऐसा होना चाहिए बच्चों कि वहाँ पे जो अवेलेबिलिटी है मतलब कि वहाँ से आसानी से आवागमन हो सके, ताकि वहाँ से ईंटों को प्रोडक्शन जब हमारा हो जाएगा तो हम आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेज सकें। तो ऐसी जगह पे होना चाहिए कि वहाँ पे सड़कें अच्छी हो, ठीक है ना, और एरिया के जो है ऐसा एरिया जहाँ से वहाँ से ऐसे जगह पे चुनिए जहाँ पे जो है हम काफ़ी जगह पे उसको डिमांडेबल बना सकें, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को जो है हम ध्यान रख कर ही स्थल का चयन करते हैं, ठीक है। दूसरा, मिट्टी को तैयार करना। मिट्टी को तैयार करने के जो चरण होते हैं बच्चों, इसमें भी हमें कई प्रोसेस से करना गुजरना पड़ता है। मिट्टी को तैयार करने के चरण में हमें क्या करना है, पहले हम क्या करेंगे, इसके चरण की अगर हम बात करें बच्चों, तो इसके चरण भी हम क्या करेंगे, मिट्टी की पहले क्या करेंगे, हम खुदाई करेंगे, ठीक है। खुदाई करना, मिट्टी की खुदाई करना, मिट्टी की खुदाई करना, ठीक है। पहला हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम पहला स्टेप करेंगे मिट्टी की खुदाई करेंगे, ठीक। फिर दूसरा स्टेप हम क्या करेंगे, हम इसको वेदरिंग करेंगे, अपक्षय में करेंगे, मतलब वेदरिंग अपक्षय क्रिया आप कह सकते हैं, या मौसमीकृत बनाना, ठीक है, मौसमीकृत बनाना, मौसमीकृत बनाना वेदरिंग के नाम से आप जानते हैं, वेदरिंग करना, ठीक है, मौसमीकृत बनाना। फिर जो तीसरा चरण होगा बच्चों, उसमें हम क्या करेंगे, ब्लेंडिंग करेंगे, ब्लेंडिंग करेंगे मतलब उसमें सम्मिश्रण करेंगे, सम्मिश्रण करेंगे, ठीक है। सम्मिश्रण जब हो जाएगा बच्चों, फिर हम क्या करेंगे, जब मिश्रण हो जाएगा फिर जो है मिट्टी को हम प्रिपेयर करने के लिए ले जाएंगे, ठीक है। उसकी मतलब फिर क्या करेंगे, उसकी नीडिंग करेंगे, गुथाई करेंगे, गुथाई, गुथाई करना, ठीक है बच्चों। तो ध्यान रखिएगा, जो ये आप मिट्टी तैयार करेंगे, मिट्टी तैयार करने के चरण जो होगा, ये आपको मिट्टी के तैयार करने के चरण में ये प्रोसेस अपनाना पड़ेगा, मतलब वहाँ की मिट्टी की पहले खुदाई करेंगे। फिर दूसरा मौसमीकृत बनाना, मौसमीकृत बनाना मतलब मिट्टी को आप क्या करेंगे, हल्का हल्का जो है फावड़े से वहाँ पे वो करके, फिर वो ताकि मिट्टी जो है मौसम का जो हवा के द्वारा उसमें जो है मर्सरीकृत हो सके, उसमें जो कीटाणु हो वो मर सके, ठीक है। तो वो कहते हैं कि मौसमीकृत बनाना, वेदरिंग करना। फिर जो है ब्लेंडिंग करना, ब्लेंडिंग मतलब सम्मिश्रण करना, जैसे उस मिट्टी में अगर कोई कमी है, इंग्रेडिएंट की कमी है, तो वहाँ पे कुछ मिक्सर कुछ मिट्टी हम जो इंग्रेडिएंट्स हैं दूसरी जगह से ला के उसमें हम मिश्रण कर देते हैं, ताकि वो मिट्टी अच्छी बनाई जा सके। फिर चौथा है इसमें गुथाई करना, जब मिश्रण हो जाएगा बच्चों तब हम उसकी क्या करेंगे, नीडिंग करेंगे, गुथाई करेंगे, ठीक है। तो ये चरण रहा आपको, क्लियर हो गया होगा, मिट्टी को तैयार करने के चरण ये हो गया, ठीक। अब सांचे में ढालना या ढालना, अब मोल्डिंग करना मतलब अब जो मिट्टी गुथाई हुई बच्चों उसको हम सांचे में ढालेंगे, सांचे में ढालते हैं। तो सांचे में ढालने के लिए देखिए इसमें क्या होता है, जिस आकार में हमें ईंट को बनाना होता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सांचे में ढालना, सांचे में ढालना। तो सांचे में ढालना में क्या है बच्चों, इसमें जैसे आपको जो स्टैंडर्ड साइज आप ब्रिक होती है वो 19x9x9 सेंटीमीटर की होती है, स्टैंडर्ड साइज है, स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये आपसे बराबर पूछेगा, जो ऑब्जेक्टिव मॉड का क्वेश्चन आने वाला है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बच्चों, ये एकदम माइंड में बैठा लीजिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा 19 ईंटों की साइज कितनी होती है, ईंट की स्टैंडर्ड साइज कितनी होती है, 19x9x9 सेंटीमीटर होता है। अब जो हम यहाँ पे कह रहे हैं सांचों में ढालना, तो सांचों में ढालने में जब हम करेंगे बच्चों, तो वहाँ पे जो सांचा होगा इससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है, सांचे में ढालने का जो माप होगा वो 21x10x10 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है। सांचे का जो माप होगा 21x10x10 सेंटीमीटर होता है, ताकि जो संकुचन के कारण उसमें जो है बाद में जो स्टैंडर्डता के साथ जो आप चाहते हैं वो स्टैंडर्ड मान ये प्राप्त हो सके,
ठीक है, साँचा लकड़ी का साँचा हो सकता है या स्टील का साँचा हो सकता है, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हम कह रहे हैं ईंटों को सुखाना, ईंटों को सुखाना, आप जो इस साँचे में ढल जाएगी तो ईंटों को हम क्या करेंगे, सुखाएंगे उसमें, ठीक है, बाहर रख के प्राकृतिक क्रिया के द्वारा जो है बाहर आप चट्टे में लगा के रख देते हैं, ठीक है, तो वो जो है ईंटें सूख जाती हैं। ईंटों को सुखाने के बाद बच्चों हम ईंटों को क्या करते हैं, पकाते हैं। तो इसमें ईंटों को पकाने के लिए हम क्या करते हैं, भट्ठों का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आप जो भट्ठे हैं बच्चों, आपका अर्ध निरंतर भट्ठा, निरंतर भट्ठा जिसे आप अर्ध निरंतर भट्ठे को बुल का खाई भट्ठा भी कहते हैं, और निरंतर भट्ठा कंटिन्यूस किल्ड के नाम से जानते हैं। इन भट्ठों का प्रयोग करके हम क्या करते हैं, ईंटों को पकाते हैं। जब ईंटें पक जाएंगी तब वो जो है आपका प्रोडक्शन तैयार हो गया, मतलब अब जो है आप ईंटों को सप्लाई कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये आपको जो है ईंटों को तैयार करने के चरण में ध्यान रखिएगा, और यहीं से जो आपको अगर आप ध्यान से समझे होंगे तो आई थिंक यहाँ से जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बन सकता है, एक तो यही बन सकता है कि चरण में कौन कौन सा चरण होता है, ठीक, क्रम वाइज में किसी में पूछ लेगा तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन गया, और साँचों में ढालने का आंतरिक माप कितना होना चाहिए ये आपसे पूछ सकता है, और ये खूब पूछता है कि स्टैंडर्ड साइज कितना होता है, तो ये ऑब्जेक्टिव के हिसाब से आपका ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम इसके आगे के टॉपिक पर चर्चा करेंगे, आज का वीडियो हम ये पिन करते हैं, धन्यवाद।